काफी देर रुकते रुकते ये भैया आ चुका है अभी। सीरियसली बताओ तो इतना देर रुकाया मुझे। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं गुवाहाटी घूमने के लिए गया, गुवाहाटी गया, बोडालैंड गया, जगह बहुत सारा घूमा, लेकिन मैंने कुछ भी ला नहीं पाया। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट पे बहुत कुछ सामान खरीदने के लिए, और मम्मी वहीं पे ही रुका हुआ है। एक्चुअली मम्मी सुबह गया था मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे मीटिंग था, अभी इलेक्शन आ रहा है इसलिए कुछ मीटिंग पे गया है। तो मीटिंग कम्प्लीट हो चुका है और मैं और भैया अभी निकल चुका हूँ मार्केट की ओर, और हम लोग कुछ खरीदेंगे वहाँ पे, और कुछ भी ला नहीं पाया इसलिए आज खरीदेंगे गाइस। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे मुंह में 1 किलो जोड़ा घुसा के अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस। और यहाँ में मटासरी और साथ में बिना पे भी आया है भाई। आ जाओ, हाँ चलो अंदर खाते हैं चाउमीन। सो गाइस सबसे पहले हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आया है, कालो रेस्टोरेंट पे, जो आप लोगों ने मेरा जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं यहाँ पे लॉकडाउन पे मैं यहाँ पे चाउमीन खाने के लिए आता था। तो यहीं पे ही आया हूँ आज फिर से चाउमीन खाने के लिए कालो होटल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले दबा के चाउमीन खाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे आ चुका है सूप और चाउमीन भी आ चुका है। ये क्या गाहुरी है ना, पोर्क है, गाहुरी है ना चिकन नहीं, ये दोनों, ये गाहरी बोला था ना, हाँ कर दो स्पेशल से बना कर दो मुझे, हाँ मुझे स्पेशल वाला दो, हाँ दीदी। तो गाइस फाइनली आ चुका है यहाँ में एक प्लेट चाउमीन, एकदम पूरा कटोरा में दिया है, दबाओ बस पूरा दबाओ खा सुन। तो गाइस मैंने यहाँ पे फाइनली मेरा खाके कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मम्मी का और बिना पे का खाके कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलो, और यहाँ पे पानी, मुझे बुखार है गाइस इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है नॉर्मल पानी और मम्मी लोगों का फ्रिज का पानी। और यहाँ पे गाइस देख सकती हो काफी मेहनत बहुत दिनों के बाद, और यहाँ पे मोमोस आंटी बना रहा है, आज पूरा मोमो बनाया है आंटी बहुत ज्यादा कालू होटल। और यहाँ पे भात, किसके लिए भात? अच्छा ठीक है चलो। ये चिकन है ना आंटी, गाहरी ओके चलो, अच्छा बात है। वाओ चाउमीन ऐसे बनता है, छाता क्या हो गया, भयानक धूप है गाइस, बहुत भयानक से धूप है, और ये मैं साटा भी काम नहीं कर रहा है। गेलो ना, क्या गेलो ना, ओ हो गया ठीक हो गया, आप ले लो आप लो। सो गाइस यहाँ पे अभी खाया पिया बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया, अभी चलते हैं मार्केट पे और मम्मी को जो चाहिए आज वही खरीदेंगे, मम्मी को बोला हूँ। और अभी ATM पे चलते हैं पैसा निकालने के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे मम्मी के लिए ट्रेडिशनल कपड़ा, ड्योरी कपड़ा ट्रेडिशनल खरीदने के लिए, तो मार्केट में ही है। तो चलो चलते हैं पहले वहाँ में, सबसे पहले चलते हैं ATM में। मार्केट काफी छोटा है इसलिए यहाँ पे ATM का सुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ पे दुकान पे मिलता है, हम लोग का यहाँ पे बस्ती का टेक्निक मिनी ATM। भाई साहब पूरा रोकड़ा निकल रहा है, हैंडसम हैंडसम माल है, पता मरेगा है की नाम है मौसमी गोगोई। ऐसे गाइस मैंने यहाँ में सामान खरीदा है, और यहाँ पे ये भैया जो मुझे ये परफ्यूम गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच देने के लिए, ऐसे मुझे प्यार से दिया है, टोकन ऑफ लव गाइस, ये परफ्यूम दिया है मुझे, थैंक यू। तो गाइस कुछ कुछ सामान हम लोगों ने खरीद लिया है, आप लोगों को दिखाया नहीं है, और अभी चलते हैं कपड़ा का दुकान पे, और वहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़ा खरीदेंगे। और दुकान जो थोड़ा सा दूर में ही है, यहाँ से हम लोग पैदल जा रहे हैं बहुत ही एक गीला गर्म में। और ये है ट्रेडिशनल ड्रेस, हम लोगों का देवरी आदमी लोग ऐसे पहनता है, और देवरी लोगों का फूल तो अलग है, लेकिन आजकल मॉडर्न जमाना है इसलिए पूरा चेंज होता जा रहा है, लेकिन डिज़ाइन जो देवरी आदमी लोगों का ऐसा ही होता है, पहनने का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का होता है हम लोग का देवरी ट्रेडिशनल का फूल,
लेकिन आजकल थोड़ा मॉडर्न जमाना है इसलिए चेंज होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। ये देखो यहाँ पे आ चुका हूँ दुकान पे। हेलो, कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। दुकान खोल लिया? वाह, मम्मी के लिए एक बहुत ही अच्छा वाला कपड़ा, बहुत ही दामी वाला एक दे दो कपड़ा। कोकाल बेटा मेखला, थोड़ा सा कॉस्टली वाला और डामी वाला, मतलब थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग करने वाला सुंदर सा एक कपड़ा दे दो मेरा मम्मी के लिए। कौन सा वाला कलर चाहिए बोलो, ले लो। कोकाल बेटा मेखला, यहाँ पे देखो गाइस, सुंदर सुंदर मेखला। ये भी तो सुंदर है, ये भी सुंदर है। कौन सा वाला अच्छा लग रहा है मम्मी? यूनिक कलर, यूनिक कलर एज योर विश। वैसे ड्यूरी में तो एकदम सफेद ही मेन है। अभी दोहा भी आ रहा है ना, दोहा भी आ रहा है, वहां पे पहनने के लिए मिलेगा। हाँ, वो भी सुंदर ही है, सुंदर ही है ये। गाइस यहाँ पे फाइनली कपड़ा पूरा सिलेक्शन कर रहा है। बिना पे भी शायद साथ में आया था, तो बिना पे को भी बोला है मेरे तरफ से और एक ले लो आप भी। और यहाँ पे देख सकते हो फाइनली यहाँ पे कपड़ा देख रहा है और सिलेक्शन कर लिया है। यहाँ पे ब्लू कलर, ब्लू ब्लू आई लव यू, और साथ में बिना पे भी आया था तो मैंने बोला बिना पे आप भी एक ले लो मेरे तरफ से, हम पैसा दे देंगे। मम्मी का सहेली है बिना पे, और मम्मी का पूरा बेस्ट पार्टनर है बिना पे, और इसलिए दोनों को बोला कि एक एक ले लो। तो इन दोनों ने अभी सिलेक्शन कर लिया है ये वाला कलर, कहीं पे जाने से भी एक साथ पहन के जाएंगे बोल के सिलेक्शन कर लिया है गाइस। तो गाइस मम्मी का सिलेक्शन ये, हाँ हाँ हाँ, सुंदर। इस सब करो, इस सब दिखाओ ना, दिखाओ। अच्छा ये देखो गाइस, और एक ये छोटा वाला पीस है, ये वाला ब्लाउज का पीस है गाइस, ब्लाउज का पीस है बोला है ये वाला। तो यहाँ पे मम्मी का फिर से सिलेक्शन बोलू तो गाइस, सिलेक्शन फिर से अलग वाला लेगा बोला, अभी ब्लू वाला नहीं लेगा बोला है। और बिना पे का ये सिलेक्शन हो गया है, काफी सुंदर जसेगा। गाइस यहाँ पे मम्मी का सिलेक्शन हो चुका है, मम्मी लिया है ये मेखला और बिना पे का सिलेक्शन ये है। अभी दोनों का मिला के अभी दाम बता दो, और दोनों का ब्लाउज भी, ब्लाउज का भी ऑर्डर सिला दो, माफ लो, और उसका बाद कोकाल बेटा भी दे देना। चलो माफ लो, माफ लो अभी। और यहाँ पे गाइस पूरा मापी चल रहा है, माप रहा है यहाँ में ब्लाउज का साइज, हाथ का साइज। और दोस्तों कोई अगर लड़का हो तो इसके लिए हैंडसम वाला पता लो इसको, ये सिंगल है ये मैडम जी। और भी यहाँ पे मम्मी और भी ब्लाउज देख रहा है, ये देखो फाइनली गाइस दे दिया है माप और पैसा भी पेमेंट कर दिया है। पेमेंट तो कर दिया है, लेकिन वो दुकान गया है अभी पानी लाने के लिए। मैंने बोला बहुत पानी प्यास लग रहा है। भाई अभी आ चुका है और ये मौका पे चौका, ये बोला स्कूटी एक ले दो बोल के। मैं बोला कि नहीं होगा, सुनता नहीं है। बोला मत टेपा, ना ना ना, नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं होगा, हम बोला ये नहीं होगा बोल के। बड़ा साइज नहीं है, XXL हो छोटा है क्या? हाँ छोटा छोटा, बड़ा वाला दे दो, नहीं है। नेक्स्ट टाइम बोला है, फिर भी मतलब छोड़ेगा नहीं है, क्या करे, भी भरा है। बाप रे बाप रे बाप, टाइट टाइट है। अबे भैया पूरा हैंडसम हो चुका है ये, आज नया स्पोर्टिंग, और गाइस दुकान में ही पहन लिया ये, और पुराना वाला कहाँ रख दिया। चलो चलते हैं अभी, लेट्स गो। यहाँ में सामान है आधा आधी, और यहाँ पे ये कपड़ा गाइस आप लोगों को बता दो, ये वाला पूरा यहाँ पे अच्छा से मतलब फिनिशिंग अभी तक हुआ नहीं है, ये पूरा प्रॉपर ट्रेडिशनल पूरा से सिला विला के दे देगा ये। और ऐसा मतलब ब्लाउज पूरा सेट है इसमें, तो ब्लाउज को भी सिला के पूरा फिनिश करने के बाद मैडम जी बोला है कि
अक्टूबर 3 तारीख को आने के लिए। तो अक्टूबर 3 तारीख को बिल पूरा पेमेंट कर दिया है, पूरा खत्म। अभी से मम्मी लोगों को आना है, कपड़ा लेके जाना है। चल लो अभी चलते हैं। और भैया भी आ चुका है यहाँ पे लेने के लिए। जैसे भैया आया तो एकदम कपड़ा पहन लिया। अभी चलो चलते हैं, अभी चलते हैं कुछ गैलामाल सामान खरीदने के लिए, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग घर की ओर निकलेंगे। और दोस्तों सीरियसली बताओ तो मेरा पूरा जुकाम है, सर्दी है। तो यहाँ पे पास में एक फार्मेसी है और वहाँ पे मतलब पिल लेने के लिए अभी जा रहा हूँ गाइस। फार्मेसी में दवाई एक लेना पड़ेगा, फार्मेसी में दवाई। ओ मालिक, यहाँ पे आदमी तो है नहीं फार्मेसी का मालिक, लेकिन हम लोग विदाउट परमिशन हम लोग आ गया। वैसे तो ये फार्मेसी में बैठने वाला लोग तो हम लोग देवरी बस्ती का ही है, देवरी आदमी है, तो जान पहचान का दुकान है, इसलिए अंदर ही आ गया हम लोग। यहाँ में अभी बैठ रहे हैं, यहाँ पे बैठने का बट अभी आ जाएगा आई थिंक कुर्सी पालों के बाद। तो गाइस हम लोगों ने काफी देर रुका, करीबन आधा घंटा जैसा, आधा घंटा से भी ज्यादा। उसके बाद अभी सर आ चुका है यहाँ में। What else? सबको दे दो, सबको ले लेगा। वैसे भी गाइस अभी तो गर्म सीजन है, तो मेरा मुताबिक से अभी मौसम भी अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, गर्म से अभी ठंडा में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए ORS बहुत ही ज़्यादा फायदा है। ORS पानी पीना चाहिए दिन में एक पैकेट मेरा मुताबिक से एक पैकेट। तो यहाँ पे कितना पैकेट है, ये क्या का पिल है? अच्छा सर्दी के लिए ना, एक दिन में एक ना, खाना खाने के बाद एक। ओके तो अभी चलते हैं अपना घर की ओर। बाय बाय सर जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे भैया मौका में चौका भाड़ा मार रहा है, देखो इतना गला माल है। हम लोगों को लाने के लिए बुलाया लेकिन इसको भाड़ा भी मिल गया। लेट्स गो। तो फाइनली शॉपिंग वगैरह करके हो गया है और हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंजॉय किया, कपड़ा खरीदा, उसके बाद फार्मेसी में आया, होटल गया, बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया। और अभी चलते हैं अपना घर पे, और घर पे जाके चलो अभी घर पे, और नहीं अभी चलते हैं मार्केट में सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। घर पे खाने के लिए सब्जी नहीं है क्योंकि अभी सब्जी का सीजन, मतलब हम सब्जी का सीजन अभी चल तो रहा है लेकिन सब्जी खरीद के खाएंगे अभी सब्जी। ये है मार्केट, यहाँ पे ये है लोकल मार्केट और यहाँ पे कुछ कुछ सामान मिले जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी लिया है आलू, आलू खा के एकदम, मतलब आलू खाने के लिए दिल नहीं है सीरियसली, बोरिंग हो गया हूँ आलू से, लेकिन क्या करूँ। मामा है, कौन है, क्या बोला? ओ देवरी आदमी है। अच्छा आलू का कितना दाम है? 25 दो के जी ले लो आलू। यहाँ पे है और यहाँ पे बहुत कुछ है। अच्छा क्या का अचार है ये? और यहाँ पे भैया भी पूरा हेल्प कर रहा है प्याज भराने के लिए। और कुछ चाहिए और क्या लेगा यहाँ में? भैया ये देखो किमान टका है ये तू मलिक, ये सब दुकानी है, ये मुझे जानता है पहचानता है, ये मेरे साथ फोटो मारने का बोला है। तो हम भी डाबी के हैं, फोटो मारने से एक कुमरा देना पड़ेगा। ये आपका दुकान है? कितना का है ये? 50 रुपीस का, एक का 50 है और दो का 50 है। चलो ये इसको छोड़ दो, आप बैंगन 1 kg दे दीजिए। कितना है बैंगन का? 30 रुपीस 1 kg डाल दो, थैंक यू। वो अगरबत्ती दीजिए, तो अगरबत्ती दादा की खबर। अरे गाइस तेल घुसा लेता हूँ और जब भी मैं आता हूँ मम्मी आता तभी भैया का तेल घुसाने के लिए सिर्फ याद आता है, अदरवाइज ये तेल घुसाता नहीं है कभी भी। और अभी तेल घुसा लिया, अभी चलते हैं घर पे। आ जाओ, ये है अचार और घर आ चुका हूँ फाइनली गाइस। सुबह सुबह उठ के पानी पी के डायरेक्ट में निकल चुका था मार्केट, बिल्कुल भी सामान वगैरह ठीक किया नहीं है, बिस्तर वगैरह बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। तो अभी कर लेता हूँ साफ वगैरह। और दोस्तों ये है मेरा मंदिर, ओए और यहाँ पे इसको साफ कर लेता हूँ।
तो गाइस अभी चलते हैं नहाने के लिए। एंड सीरियसली बताओ तो मेरा शैम्पू पूरा खत्म हो चुका है, शैम्पू साबुन कुछ भी नहीं लाया। और मार्केट पे गया मैं शैम्पू साबुन, मुझे याद आ ही रहा था क्या सामान मैं भूला, मैं क्या भूला, मैं क्या भूला, मेरा दिमाग में था ही क्या भूला मैं क्या भूला क्या भूला। अब भी याद आ गया शैम्पू नहीं है, साबुन नहीं है, मैं वो लाऊंगा बोल के मैं घर से सोच के गया था लेकिन मैं भूल गया। कल से मैंने नहाया नहीं है क्योंकि मेरा बदन ठीक नहीं है बोल के, लेकिन आज जैसे भी हो नहा लेता हूँ क्योंकि कभी कभी दिन नहाने से भी बदन पूरा ठीक हो जाता है। नहा लिया, नहा लेने के बाद यहाँ पे मेरा काम, सुबह शाम नहाने से जब भी मैं घर पे रहता हूँ मैं अगरबत्ती लगाता ही हूँ, जो कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं सब इस प्रभु के वजह से ही हूँ इसलिए। और भगवान श्री कृष्ण कहता है कि तू करता वही है जो तू चाहता है लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूँ, इसीलिए दूसरों का मत सुनो, आप अपना काम करते जाओ। अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो उसका हिसाब किताब आप ऊपर वाले को करने दो, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है ना छप्पर फाड़ के। आपको अगर दुख दे के कोई अगर दो फल का खुशियां पा रहा है तो आप भी छोड़ दो उन लोगों को, उसका हिसाब किताब ऊपर वाले को करने दो। मैंने देखा है अपना जिंदगी में ये प्रमाण, जिन जिन लोगों ने टक्कर लिया है, जिन जिन लोगों ने मतलब अपना पैसा का पावर दिखा के, मेरा गलती नहीं है उसका ही गलती है, फिर भी वो कह रहा है कि तेरा ही गलती है और उसका बाद हमें झुकने के लिए मिला, उसका हिसाब किताब ऊपर वाले को करने दो। टर्न लौट के आता है और ऐसा भयानक से आता है ना, वो कभी भी वो सोच में पड़ जाता है हाय मैंने किसका मैंने क्या कर दिया। तो इसीलिए अपना काम करते जाओ, किसी को झूठ मत बोलो, सत्य में रहो और सत्य का साथ ऊपर वाला देता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है अगर कि आपका गलती ना हो फिर भी आप लोगों को झुकने के लिए मिला तो आप लोग कमेंट करके बताना, और उसका भी कर्मफल आप लोगों ने अपना आंखों से देखा है कि नहीं उन लोगों को वो भी लिखना, मैं तो देखा हूं मेरे आंखों से गाइस। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लिखो लेकिन।